यूपी में वकीलों की हड़ताल खत्म। योगी सरकार ने सभी मांगों को माना। हटाए जाएंगे हापुड़ के एडिशनल एसपी। क्या है वकीलों की हड़ताल के पीछे की कहानी? आखिरकार उत्तर प्रदेश में वकीलों ने हड़ताल समाप्त कर दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से मांगे पूरी करने के आश्वासन मिलने के बाद वकीलों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला ले लिया है। हड़ताल पर शासन और अधिवक्ताओं के बीच सहमति बनी हुई है। दरअसल यूपी बार काउंसिल और शासन के बीच बैठक में कई मामलों पर सहमति बनी, जिसमें हापुड़ के एडिशनल एसपी को हटाने पर भी सहमति बनी है। साथ ही दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किए जाने की बात भी कही गई है। आज की जो मुख्य सचिव साहब के साथ वार्ता हुई, बाकी आला अधिकारियों के साथ जो वार्ता हुई, वो बहुत ही सफल रही। और उसमें जो हमारी मांगे थी पुलिस अधिकारियों के विषय में, तो जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, उनका तत्काल वहां से ट्रांसफर किया जाएगा और जो दोषी हैं उनको वहां सस्पेंशन होगा। इसके अलावा जो हमारे प्रदेश के अधिवक्ताओं पर जो आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस होंगे, ये भी तय पाया गया है। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि हमारे प्रदेश के अधिवक्ताओं की बहुत बड़ी डिमांड थी कि जो आए दिन अधिवक्ताओं के साथ जो वारदातें हो रही थी उसको लेकर के जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, हमारी बहुत बड़ी मांग थी, जो आज सरकार की तरफ से मान ली गई है। इस पे एक बहुत शीघ्र यानी कमेटी फ्रेम हो रही है, जिसमें बार काउंसिल का भी प्रतिनिधित्व रहेगा और वो कमेटी शीघ्र ही मसौदा तैयार कर और उसको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास करा दिया जाएगा। और अब इसी के साथ में अपने तमाम प्रदेश भर के अपने अधिवक्ता साथियों से निवेदन करूंगा कि अब तमाम जो हमारे जो ग्रीवांसेस थे, तो हमारे तमाम जो अब हल हो गए, अब हमारे तमाम प्रदेश के अधिवक्ता कल से काम पर लौटेंगे। को लेकर उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता विगत कुछ दिनों से कार्य से विरत थे। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने आह्वान किया था, हम लोगों ने इसके पहले भी एक प्रतिनिधिमंडल ने दो बार वार्ता की थी। आज माननीय मुख्य सचिव और डीजीपी उत्तर प्रदेश, डीजी लाइन आर्डर, प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव संसदीय कार्य और सभी लोगों का एक हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल, बार काउंसिल के अध्यक्ष और हम लोगों के साथ बातचीत किया। बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में रही और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अधिवक्ताओं की अधिकांश मांगे मान ली है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिस पर हम लोग बहुत दिन से बात कर रहे थे, उसके लिए सरकार ने गंभीरतापूर्वक उसके लिए कमेटी बना दी है। उसको टाइम बीइंग जो है उसको जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए लागू करेगी। वहां दोषी पुलिस कर्मचारियों को वो सस्पेंड कर रहे हैं और साथ में एएसपी का ट्रांसफर कर रहे हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं उनका ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके अलावा सारे वकीलों पर जितने मुकदमे हैं वो समाप्त किए जा रहे हैं जो इस हापुड़ आंदोलन के दौरान हुए थे। इसके अलावा भी उन्होंने सारी बात, जो एसआईटी जांच की रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी पुलिसकर्मी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, यह उन्होंने आश्वासन दिया है। यह सरकार का सराहनीय कदम है और उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता कार्य समाप्ति, जो कार्य से विरत रहने की बात थी उसको समाप्त करके कार्य पे वापस आ रहे हैं, यह अच्छा भाव है। और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को भी धन्यवाद देते हैं और उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं से निवेदन करते हैं कि फिर से शांतिपूर्वक काम करें और उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाने में सहयोग। बता दें कि यूपी के अलग अलग जिलों में वकीलों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर कमेटी गठित होगी। इसी के साथ ही शुक्रवार यानी कि आज से यूपी के वकील काम पर लौट रहे हैं। बता दें कि इस मीटिंग के दौरान यूपी बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अनुराग पांडे, अखिलेश अवस्थी, जानकी शरण पांडे, प्रदीप कुमार सिंह और प्रशांत सिंह मौजूद रहे। रात्रि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के डेलीगेशन के साथ माननीय मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, एलआर महोदय एवं बार काउंसिल के अध्यक्ष तथा सभी पदाधिकारीगण के साथ बैठक हुई। बैठक में सभी बिंदुओं पर विचार किया गया। जो माननीय अधिवक्तागण के मांगे थी उनको ध्यान से सुना गया तथा जो वार्ता हुई वो सफल रही। उन लोगों ने सभी बिंदुओं को समझ के हड़ताल तत्कालिक रूप से वापस लिया
और ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। कुछ कार्रवाइयां दोनों पक्षों से होनी है, वो तत्काल जैसे ही हमारे अध्यक्षतागण वापस आएंगे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो कार्रवाई तय की गई है उसमें जो वहां दोषी इंस्पेक्टर हैं उनके निलंबन की कार्रवाई होगी, क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक के स्थानांतरण की बात है, तथा इस घटना के संबंध में जो भी FIR दर्ज की गई है उसको समाप्त किया जाएगा। इसके साथ साथ जो उनकी एक डिमांड थी, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया है, उसके लिए एक तात्कालिक रूप से कमेटी मुख्य सचिव के द्वारा बनाई जाएगी। आइए जानते हैं कि हापुड़ कांड को लेकर बार काउंसिल की मांगे क्या क्या थी। जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक हापुड़ का ट्रांसफर हो, जिन पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया उन पर मुकदमा दर्ज हो, प्रदेश भर में वकीलों के खिलाफ पुलिस ने मनमाने ढंग से झूठी कहानी बनाकर जो मुकदमे दर्ज किए हैं उन्हें खत्म किया जाए, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर तुरंत प्रदेश में लागू किया जाए, हापुड़ के घायल वकीलों को तुरंत मुआवजा दिया जाए, जिसके बाद वकीलों की इन सभी मांगों को मान लिया गया है। इससे पहले हापुड़ में अधिवक्ताओं पर पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान वकीलों ने कई जिलों में विरोध जताया और पुतला भी फूंका। लखनऊ में वकीलों ने प्रदर्शन के लिए सभा की और इसके बाद बैरिकेडिंग तोड़ते हुए हजरतगंज की तरफ बढ़ते चले गए, जहां पुलिस कर्मियों से उनकी तीखी नोक झोंक हो गई। आइए जानते हैं आखिर क्या है वकीलों की हड़ताल के पीछे की पूरी कहानी। दरअसल ये पूरा मामला 29 अगस्त का है। पुलिस पर आरोप लगा है कि यूपी के हापुड़ जिले में पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया था। इस लाठीचार्ज में कई वकीलों को गंभीर चोटें आई थीं। मामले में करीब 50 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। वकीलों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के बाद प्रदेश भर के वकील हड़ताल पर चले गए थे। हापुड़ पुलिस ने भी वकीलों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। इसके बाद वकील SP और DM के तबादले के साथ दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। दरअसल ये पूरा विवाद 29 अगस्त से शुरू हुआ, जब वकील शांतिपूर्ण तरीके से हापुड़ कोतवाली में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वो दोषी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस ने महिला वकील और उसके पिता के खिलाफ सिपाही से बदसलूकी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं प्रदर्शन कर रहे पुलिस कर्मियों ने वकीलों पर लाठीचार्ज कर दिया था। इसके बाद कई वकीलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT का गठन कर जाँच के आदेश दे दिए। फिलहाल अब सरकार की तरफ से सभी मांग पूरी हो जाने के बाद वकील दोबारा काम पर लौट रहे हैं।